नमः कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः शासन, तुम भी जाकर कृष्ण को ढूंढो, वे अवश्य कहीं रास लीला कर रहे होंगे। वासुदेव, गोविंद कहां गए? वासुदेव, हमने तो हर स्थान देख लिए। पितामह भीष्म सत्य कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अतः राजसूय यज्ञ में प्रथम अर्घ पाने के योग्य हैं। आदरणीय कुटुंब एवं संबंधी, इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए वसुदेव श्री कृष्ण ने अपना जीवन न्योछावर कर चुके। इन्होंने बाल्यकाल से अब तक जो भी कार्य किया है वो पृथ्वी के लिए मंगल ही हुआ। इसलिए हमारी दृष्टि में और आचार्य द्रोणाचार्य की दृष्टि में वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कृष्ण 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 कृष्ण। संबंधियों एवं कुटुंबों, अब ये निर्णय हो चुका है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वसुदेव श्री कृष्ण ही हैं। पुत्र गोपाल को प्रथम अर्घ प्रदान करो। रुको,
कृष्ण को प्रथम मार्ग नहीं दिया जा सकता। शिशुपाल तुम ये क्या कह रहे हो? यह निर्णय हो चुका है कि वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह उचित निर्णय नहीं है। यह कपट कृष्ण यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? यह कपट कृष्ण यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? यह ढोंगी है। इसका समस्त चरित्र कपट से भरा हुआ है। ये प्रथम अर्ग क्या? ये कोई भी अर्ग पाने योग्य नहीं है। शिशुपाल 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 अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर के लिए गूंगे हो जाओ। हमें गोविंद का अपमान स्वीकार्य नहीं है। कैसे स्वीकार होगा? तुम सब पांडव इस कपटी के चटुकार हो। ये तुम्हारा गुरु और तुम सब इसके चेले हो। अतः गुरु और चेले दोनों कपटी है। शिशुपाल भीम उत्तेजित ना हो। शिशुपाल की बातों में मत आओ। किसी भी शुभ कार्य में विघ्न डालना इसका चरित्र है। पुरोहित देव, प्रथम अर्घ देने की प्रक्रिया आरंभ करें। पुत्र, तुम अर्घ प्रदान करो। अन्याय है। हम सब यहां मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। रोक दो ये यज्ञ। Yeah.
मुझे कि क्या हो रहा है। यज्ञ में अधर्म एवं अशांति का कोई स्थान नहीं। अधर्म एवं अशांति का नाश हुआ। अब धर्म एवं शांति व्यवस्था से यज्ञ होगा। पश्चात पाचन वाला पेय उत्तम होता है। यदि वह द्रौपदी के हाथ का बना हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है।
हम पांडव पुत्र युधिष्ठिर विनम्रता पूर्वक ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक चक्रवर्ती राजा के रूप में अपनी संतान एवं अन्य संतान के मध्य कोई अंतर नहीं रखेंगे। युद्ध एवं रक्तपात की इच्छा नहीं रखेंगे। कटु वाक्य कहकर किसी को दुखी नहीं करेंगे। केवल सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर जनमानस के जीवन को सुखी करने में अपना जीवन उत्सर्ग करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती 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 सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती 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 सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती 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 सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर की, भोजन के पश्चात पाचन वाला पेय उत्तम होता है। एवं यदि वह द्रौपदी के हाथ का बना हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। संपूर्ण यज्ञ एवं आयोजन उत्तम रूप से पूर्ण हुआ। इसमें हमें संतोष है एवं इसका सारा श्रेय कृष्ण को जाता है। नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः।